नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दीर्घवृत्त के बारे में बात करेंगे कि दीर्घवृत्त क्या होता है, जिसको कि इंग्लिश में एलिप्स बोला जाता है, और इसको बनाने के लिए कितने प्रकार की मेथड्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो जनरली हम यहाँ पर देख लेते हैं कि दीर्घवृत्त जो हमारा होता है, दीर्घवृत्त को बनाने के लिए हम जो है 5 प्रकार की मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो पहली मेथड आपकी होती है फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड, जिसको कि बिंदु एवं नियता विधि भी कहते हैं। दूसरी जो मेथड होती है वो आपके लिए होती है कंसेंट्रिक सर्किल मेथड, जिसको कि हम संकेंद्रीय वृत्त विधि भी कहते हैं। तीसरी जो मेथड आपकी होती है वो होती है आर्क ऑफ सर्किल मेथड, जिसको कि हम वृत्तों की चाप विधि भी कहते हैं। चौथी जो मेथड होती है वो आपके लिए होती है रेक्टेंगुलर सर्किल मेथड, जिसको कि हम आयताकार वृत्त विधि भी कहते हैं। और जो पांचवी मेथड होती है और जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, इसका जनरली क्वेश्चन अभी 2-3 वर्षों से लगातार एग्जामिनेशन में आ भी रहा है। तो ये चौथी, ये जो पाँचवीं मेथड है, जिसको कि 4 पॉइंट या 4 सेंटर मेथड बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जो कि कई वर्षों से लगातार क्वेश्चन पेपर में आती भी है। तो हम क्या करेंगे, आज हम इन 5 मेथड्स में से जो हमारी फर्स्ट मेथड है, जिसका कि नाम है फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड, इस मेथड की सहायता से हम दीर्घवृत्त को कैसे बनाते हैं वो हम अपनी ड्राइंग शीट में बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं हमारी ड्राइंग शीट पे। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट एलिप्स इफ द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 mm एंड इसेंट्रिसिटी इज 2/3। तो दोस्तों, इस फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड को जनरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, और इसी मेथड को हम जनरल मेथड्स बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी एलिप्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको अगर एलिप्स बनाना है तो हमें इसमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस। हमें पहली चीज़ हमको ये देखनी है कि हमको डिस्टेंस कितनी दी हुई है। यहाँ पर डिस्टेंस हमको फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से 50 mm दी हुई है, और हमको यहाँ पर दूसरी एक चीज़ जो है दी रहती है, जिसको कि हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, और हिंदी में इसको उत्केंद्रता बोला जाता है। तो इसेंट्रिसिटी, और वो हमको दी हुई है 2/3। इसके बाद हम इसमें एक शब्द है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स एक प्रकार की स्थिर रेखा होती है, जो कि एक वर्टिकल लाइन के रूप में बनाई जाती है। तो सबसे पहले यदि हमें एलिप्स बनाना है जनरल मेथड या फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड की सहायता से, तो उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम एक डायरेक्ट्रिक्स बना लेते हैं, जो कि स्थिर रेखा होती है। जनरली इसकी कोई डायमेंशन हमको दी नहीं रहती है कि हमको कितने का बनाना है। इसके लिए हम जनरली 15 से 16 सेंटीमीटर की लाइन अपनी ड्राइंग शीट में खींच लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15 या 16 सेंटीमीटर की एक लाइन हम बना लेते हैं, जो कि क्या कहलाती है, हमारी डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है, कुछ इस तरीके से। इसका नाम दे देते हैं ए एंड बी। दोस्तों, इस डायरेक्ट्रिक्स के मिड सेंटर में हम एक पॉइंट बना लेते हैं, और उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी। ये ध्यान रखना है हमको कि इस मिड पॉइंट को हम हमेशा सी नाम ही देंगे, और इसके बाद इस सी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जनरली 15 से 20 सेंटीमीटर की बीच में। तो इस तरीके से हम 20 सेंटीमीटर की एक क्षैतिज लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमको अब चाहिए है फोकस, कि हमारा फोकस कहाँ है। तो चूंकि इसकी जो दूरी है वो हमको दी हुई है 50, और हमको जो दूरी है वो 50 कहाँ से दी हुई है, डायरेक्ट्रिक्स से दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स से 50 mm की दूरी पर हम पॉइंट लगा लेते हैं, और जो 50 mm की दूरी पर हम पॉइंट लगाते हैं वही हमारे लिए क्या हो जाता है, वही हमारे लिए F हो जाता है। इसके बाद हमको इसमें एक पॉइंट और चाहिए है, जिसको कि हम भी यानी कि वर्टेक्स बोलते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए हम इसेंट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसेंट्रिसिटी का सूत्र होता है VF / VC,
और यहाँ पर हमारे लिए एसेंट्रिसिटी दी हुई है 2/3 इक्वल्स टू वी एफ अपॉन वी सी। यदि हम इसको सामने सामने से रिप्रेजेंट कर देंगे तो वी एफ बराबर हो जाएगा 2 और वी सी बराबर हो जाएगा 3। अर्थात यदि हम वी से एफ की तरफ जाते हैं तो ये हमारे लिए कितना होता है 2 की दूरी हमको लेना है। अर्थात हम यहाँ एफ से 2 सेंटीमीटर पे हम क्या ले लेंगे, भी को ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एफ हमारा जो दी गई दूरी होती है, जैसे कि हमको यहाँ 50 दिया था तो एफ हमारा 50 पे आ जाएगा और वहाँ से हम 2 सेंटीमीटर बाद एक पॉइंट लगा लेंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी निकालना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसके बिना हम कोई भी एलिप्स का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एसेंट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वी एफ अपॉन वी सी। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये जो वी है और ये जो एफ है, यहाँ से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और एफ से भी हम क्या कर देते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद हम प्रकार की सहायता से भी और एफ की दूरी मेजर करते हैं, भी और एफ की दूरी मेजर करके भी पर रखकर ऊपर हम कट लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। जब हमारा ये कट लग जाता है उसके बाद हम सी पॉइंट से और इस कट वाले पॉइंट से एक तिरछा इंक्लाइन लाइन ऊपर तक आगे तक बना देते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, कि भी पर स्केल का इनिशियल पॉइंट रख करके कुछ पॉइंट्स हमको लेने होते हैं। तो हम जनरली यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 12-13 पॉइंट ले लेते हैं इस तरीके से, ये पॉइंट हम ले लेते हैं 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही लेना है। अब हम इन सभी पॉइंट से वर्टिकल लाइन इस इंक्लाइंड लाइन तक ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये सारी हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली है और ये जो हमने पॉइंट लिए हुए हैं इनकी हम कर देते हैं नंबरिंग। तो भी के बाद हम जो नंबर करेंगे वो 1 हो जाएगा, उसके बाद तो एफ लिखा ही हुआ है, फिर दूसरा ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। इसके बाद हम क्या करते हैं कि और ये 1 के ऊपर ये जो लाइन ये वाला पॉइंट है ये हमारे लिए हो जाएगा 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 और ये 13। अब हम क्या करते हैं कि हमको बहुत सारे आर्क लगाने होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है 1 से 1 की दूरी लेना है, एफ पे रखना है और 1 वाली लाइन पे ऊपर नीचे चाप लगाने हैं। तो ऐसा हम प्रोसेस 1 से 1 लेकर के जहाँ तक हमने लाइन खींची हुई है वहाँ तक करते हैं। तो हम 1 से 1 करेंगे और ये हम जाएंगे इस प्रकार से 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, हमने 13 लिया हुआ है तो 13 से 13, ये हम दूरी लेते हैं और F एज ए सेंटर रख कर उसी लाइन पे हम क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे चाप लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। हम इसको देखते हैं तो हम यहाँ से 1 से 1 की दूरी लेंगे, ये हमने 1 से 1 की दूरी ली और 1 से 1 की दूरी लेकर के एफ पे रखकर हम 1 वाली लाइन पे ऊपर और नीचे चाप लगा देते हैं। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, एफ से इस एफ तक की दूरी भी ले लेंगे तो यहीं पे आ जाएगा और ये हम इसको नीचे ऐसे आर्क लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे,
टू से टू की दूरी लेंगे और एफ पे रख के टू वाले पॉइंट पर हम चाप लगा देंगे। थ्री से थ्री की दूरी लेंगे, एफ पे रख के ये बढ़ा देना है सर, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारी डिस्टेंस लेकर के और हमने ये ऊपर नीचे चाप लगा लिए हैं। अब हमको कुछ नहीं करना होता है, इन सभी चाप को आपस में हम फ्रेंच कर्व की सहायता से या अपन अपने नॉर्मल हैंड की हाथों से ही हम भी से होते हुए एक कर्व के रूप में मिला देते हैं, तो हमारा दीर्घवृत्त बन के कंप्लीट हो जाता है। तो हम कुछ इस तरीके से इनको मिला लेते हैं, जैसे कि और इन सभी चाप को हम नाम दे देते हैं, जैसे कि हमारा ये P1 है, ये P2 है, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 और P11। ये सभी डैश में रहेंगे, ऊपर की तरफ हमको डैश लेना है और नीचे की तरफ हमको नॉर्मल लेना है। इसी प्रकार से ये हो जाएगा P1, P2। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा दीर्घवृत्त जनरल मेथड या फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड की सहायता से कंस्ट्रक्ट कर लिया जाता है या हो जाता है। इसके बाद हम इसकी डायमेंशनिंग भी कर देते हैं, तो डायमेंशनिंग करने के लिए हमको जो डिस्टेंस दी हुई होती है उसकी बस हम क्या कर देते हैं, डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो डायमेंशनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन लाइन बना देते हैं, जो कि हमारे लिए एक्सटेंशन लाइन कहाँ से बनेगी, डायरेक्ट्रिक्स से बनेगी। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की हम एक्सटेंशन लाइन लेते हैं और हम इसकी कहाँ तक दूरी लेंगे, एफ तक की दूरी लेंगे, जो कि हमको क्योंकि दूरी एफ तक की दूरी हमको एक दी हुई थी 50 mm। तो हम ऐसे करके और यहाँ पे बीच में हम डायमेंशन लाइन लगा करके और यहाँ पे हम क्या बना देंगे, एरो बना देंगे और बीच में हम लिख देंगे 50 mm। साथ में हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, जो कि ये क्या होती है, स्थिर रेखा होती है और इसकी लेंथ जनरली हम 15 से 16 सेंटीमीटर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एलिप्स बन करके तैयार हो जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।